हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए यूनिक और भी अच्छे और लेटेस्ट सैलड डेकोरेशन लेके, बिल्कुल सिंपल हमेशा की तरह। तो कटिंग को सबसे पहले वही कट कर लीजिए जिस तरह की मैं हमेशा आपको बताती हूं। तो सारे सैलड के कटिंग को मैंने इस तरह कट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने सैलड कट किया है, पहले आप सैलड को कट कर लीजिए, उसके बाद आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे की वीडियोस में एक ही तरह के सैलड डेकोरेशन से मैंने अलग अलग डिजाइन किस तरह बनाया है। जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो आप बना सकती हैं। और इसमें स्कूल गोइंग गर्ल के लिए भी सैलड डेकोरेशन जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियोज को आप देखिए कि मैं किस तरह डेकोरेट कर रही हूँ और कितने अच्छे तरीके से बता रही हूँ। उससे पहले आप अपने सैलड को कटिंग कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितने लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियोज की मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरे डेकोरेशन कैसे लगते हैं। तो चलिए आगे कटिंग करने के बाद डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं और भी अच्छा ये डेकोरेशन बताऊंगी। ये जो डेकोरेशन है ये खास तौर से आप पार्टी में या बहुत सारे गेस्ट जब आ रहे हैं तो आप इस डेकोरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सैलड डेकोरेशन है। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल ऐड किए हैं और इसी तरीके से इसमें आपको थोड़े थोड़े चेंज करके मैं बहुत सारे डेकोरेशन बताऊंगी, जिससे कि एक ही प्लेट से आप बहुत सारे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जो आपको सिंपल लगे आप वो डेकोरेशन कर सकती हैं। सब्जी आप अपने पसंद के कुछ भी ऐड कर सकती हैं इसमें। तो ये देखिए, यहाँ मैंने बीटरूट इस तरह अरेंज किया है, फिर कुकुम्बर अरेंज करूंगी, क्योंकि हर वेजिटेबल का अपना रखने का एक तरीका होता है। आपको जो चीज़ लगे कि मुझे ये चीज़ स्किप करना है, उसके जगह पे आप अपने पसंद की कोई और वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं। बट इसमें मैंने बिल्कुल यूनिक सब्जियां जो है वो ऐड किए, क्योंकि कुकुम्बर, बीटरूट और कैबेज, कैरेट लगभग ये सभी सैलड में ऐड करते हैं और इन सभी के सैलड बनते हैं। यहाँ मैंने जो पर्पल कैबेज ऐड किया इसको आप स्किप करके अगर, क्योंकि ये पर्पल कैबेज इजिली नहीं मिल पाता है, तो इसके जगह पे आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद के कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ मैं देखिए लगा रही हूँ ये हमारा जो है कैरेट। ये देखिए हर एक डिजाइन बहुत क्यूट है और इस तरह आप इसी तरीके से देख रही हैं कि बहुत सिंपल तरीके से इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल है, इनको डेकोरेट करना बहुत ही आसान तरीके से डेकोरेट करते हैं, ताकि जब गेस्ट आए और आप डेकोरेट कर रही हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी से आप डेकोरेट कर लें। ये देखें, मैं छोटे प्लेट में भी बताती हूँ, बड़े प्लेट में भी, क्योंकि सैलेड अगर आप ज़्यादा कटिंग करके रखे हैं तो उसको आप बड़े प्लेट में ही डेकोरेट करें तो ही आपका जो सैलेड का प्लेट है वो ब्यूटीफुल और यूनिक लगेगा, क्योंकि छोटे प्लेट में सारी सब्जियां ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे देखिए मैं कुकुम्बर ली, क्योंकि कुकुम्बर और कैरेट हमारे सैलेड में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए इनकी क्वान्टिटी मैंने ज़्यादा रखी है। बीच में हम रखेंगे कुछ इस तरह का सेप जो है, तो ये देखिए पूरा सैलेड का प्लेट कितना ब्यूटीफुल
आपको लग रहा है, क्योंकि आपको हमेशा शिकायत रहती है कि मैं अनियन ऐड नहीं करती, तो यहाँ पे मैंने रखा है अनियन। दोनों साइड में लाइट डार्क डार्क है, बीच में क्योंकि अनियन बहुत लाइट कलर का होता है, तो इसलिए इसको मैंने बीच में अरेंज किया है, ये देखिए, जिससे कि इसका ब्यूटी जो है पूरे प्लेट का कितना सुंदर लग रहा है, यूनिक लग रहा है। यहाँ मैंने रोज़ ऐड कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया रोज़ बनाना, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लेमन और चिली, क्योंकि लेमन और चिली सैलेड में सभी लोग खाना लगभग पसंद करते हैं, तो यहाँ मैं लेमन ऐड कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। हर एक चीज़ को बारीकी से ऐड करें, दोनों साइड में आप देख रहे हैं खाली है, तो यहाँ हम ऐड करेंगे चिली, ये देखिए, इस तरह से चिली हम ऐड करेंगे, तो हमारा प्लेट जो है सैलेड का बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ऊपर साइड में आप देखिए खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ भी हम चिली ऐड कर लेंगे, ये देखिए, कुछ इस तरह से ऐड कर लेंगे चिली को। तो ये आपका पूरा प्लेट हो गया है कंप्लीट, कितना सुंदर, कितना यूनिक लग रहा है। इसी में मैं आपको और चेंज करके दिखाऊंगी कि इसे आप और भी अच्छे तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक तो प्लेट कंप्लीट हो गया ये, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप सेकेंड डिजाइन जो है वो कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से, किसी को छोटे सैलेड कट खाना पसंद है, कोई बड़े कटिंग कट के खाता है, उसे वो पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैबेज ले रही हूँ, और यहाँ मैंने पर्पल कैबेज लिया है। अगर पर्पल कैबेज नहीं है तो याद है आपको, यहाँ पे आप बीट रूट रख सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने देखिए दोनों सब्जियों को रखा, तो कितना अच्छा लग रहा है, लाइट डार्क, और फिर बगल में जो जगह है तो वहाँ जाहिर बात है कि अगर आप डार्क रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ भी आपको लाइट कलर रखना है। तो वहाँ भी मैं कैबेज ही ऐड करूँगी, ये देखिए दोनों साइड में मैंने कैबेज ऐड किया, बीट रूट है और यहाँ पे कुकुम्बर है, तो ये सैलेड के लिए भी काफ़ी होता है, बहुत लोग कुकुम्बर और ये हमारा कैबेज खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये छोटे छोटे सैलेड है। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और सब्जियाँ आप ऐड कर सकती हैं, ये दो स्पेस है, इन पे कुछ डिजाइन बना लेते हैं ताकि हमारा सैलेड का प्लेट जो है यूनिक लगे। तो ये मैंने ऐड कर लिया कैरेट, ये देखिए, ये भी हो गया एक डिजाइन। तो पूरा प्लेट आपने देखा कि कितना सुंदर लगने लगा, देखते ही देखते बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, यूनिक लग रहा है ये। ये देखिए हमारा जो सैलेड का प्लेट है बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट करके दिखाऊंगी, यहाँ पे आप ऐड कर सकती हैं हमारा रेडिश यानी कि मूली, मूली भी लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं कैरेट सॉरी सैलेड में। और यहाँ बीच में मैं ऐड करूँगी रोज़, क्योंकि यहाँ पे लाइट है वाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे, तो यहाँ पे रोज़ का फ्लावर हम ऐड करेंगे। ये देखिए पूरा प्लेट कितना यूनिक लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये क्रिएटिविटी हो गई आपकी, जो स्कूल में भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं कोई और डिज़ाइन बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, तो ये कुकुम्बर मैंने ऐड कर दिया, तो आपका एक सैलेड का प्लेट और रेडी है। थोड़ा सा इसको आप और चेंज करना चाहती हैं, तो इसमें आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट कर सकती हैं, जबकि ये भी जो आपका डिज़ाइन है बहुत यूनिक है। तो यहाँ पे कुकुम्बर को मैं पूरा इस तरह रोल कर दूंगी, ये देखिए, तो ये भी प्लेट आपका सैलेड का हो गया कम्प्लीट, बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम और करते हैं, आप थोड़ा सा चेंजिंग में क्या करूँगी, ये देखिए साइड में जो है, क्योंकि ये लाइट कलर है, तो यहाँ पे हम डार्क देने के लिए यहाँ पे कुकुम्बर कुकुम्बर ऐड कर सॉरी कैरेट ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए प्लेट हमारा कितना यूनिक लगने लगा। सेकंड साइड में भी हम कैरेट ही ऐड कर लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह हम थोड़े थोड़े चेंज करके अपने सैलेड के प्लेट को बना सकते हैं यूनिक, ब्यूटीफुल और इजी। तो ये आपका सैलेड का प्लेट हो गया है बिल्कुल रेडी, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये आपका सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी है। ये सारे डेकोरेशन बिल्कुल रेडी हैं, आप सभी को मेरे डेकोरेशन कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।